Lady, and I am your mentor for UGC NET Economics exam. In this video, we are going to discuss most important question for your UGC NET Economics for macroeconomics. We have already covered microeconomics topic, जैसे वहाँ पे हमने पांच important questions लिए थे और उसके आगे पीछे के concept सारे revise कर लिए थे. इस video में भी आज हम वही करने वाले हैं. So before getting into the video, please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. Starting with question number one, an increase in the level of government spending, other things being equal, what will happen to ISLM model? So your A option is increase in the level of equilibrium income at all interest rate, shifting IS to right, increase in the interest rate, shifting LM curve to left, lower in interest rate, shifting the LM curve to right. D part is always move an economy towards more employment. So please answer the correct option in the comments section. So your correct answer is part A. So this is because आप ये वाला question मुझे पता है काफी बार revise कर चुके हैं. आपको पता है कि जब government spending increase करती है तो जो IS curve है आपका downward sloping curve वो शिफ्ट कर जाता है आउटवर्ड्स और इसी वजह से आपकी जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज कर जाती है. आई नो यू नो दिस कंसेप्ट, लेकिन यहाँ पे मेरा पर्पस आपको एक और कंसेप्ट रिवाइज करवाने का है कि जो आपका एलएम कर्व होता है वो कीनीजियन रेंज में फ्लैटर रहता है. तो अगर क्वेश्चन में कहीं पे ये एजम्पशन दी हुई है कि आपका जो आईएस कर्व है वो कीनीजियन रेंज में कैसे बिहेव करेगा, तो आप ये बता सकते हो कि वहां पे क्राउडिंग आउट जो इफेक्ट होता है वो कम रहता है. व्हाई? क्योंकि व्हेन यू आर इन कीनीजियन रेंज एलएम कर्व फ्लैट है और जो गवर्नमेंट की वजह से प्राइवेट स्पेंडिंग जो हट जाती थी हमारे इकोनॉमिक मॉडल में से, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करने की वजह से वो उसको हटा दे रही है, वो नहीं होगी. मतलब क्राउडिंग आउट नहीं होती इन कीनीजियन रेंज. नेक्स्ट इज योर क्लासिकल रेंज. क्लासिकल रेंज में आपका जो एलएम कर्व होता है दैट इज वर्टिकल, और वर्टिकल आईएस कर्व एलएम कर्व होने की वजह से जो आईएस में कोई भी शिफ्ट होता है तो उसमें वो सारा का सारा क्राउड आउट हो जाता है. तो क्वेश्चन में क्या मेंशन है वो देख के करना कि अगर आपको कुछ नहीं मेंशन है तो बात हो रही है इंटरमीडिएट रेंज की, कि यहाँ पे नॉर्मल अपवर्ड स्लोपिंग आपका एलएम कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग आईएस कर्व है. लेकिन अगर स्पेसिफिकली कुछ मेंशन है कि क्लासिकल रेंज या कीनीजियन रेंज, तो आपको पता होना चाहिए कि एलएम की शेप चेंज हो जाती है. हु इज द ऑथर ऑफ योर बुक आई डू व्हाट आई डू? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर टू. रघुराम राजन, अमर्त्या सेन, जगदीश एन भगवती एंड अरविंद पनगाड़िया. सो प्लीज लेट मी नो द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज ए, रघुराम राजन. तो ऐसे क्वेश्चन आपको मेमोरी बेस्ड के आएंगे यूजीसी नेट में. मैंने आपकी थोड़ी जॉब इजी करने के लिए यहाँ पे सारे इकोनॉमिस्ट के नाम, इंडियन इकोनॉमिस्ट के नाम और उनके साथ जो उनकी फेमस बुक्स हैं उसको लिस्ट कर दिया है. जैसे ही टाइम मिले आप इसको एक बार देख लीजिएगा. बस एक ट्रिक बता दूं यहाँ इसको याद करने के लिए, रघुराम राजन की आप जैसे बुक्स देखेंगे, सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम कैपिटलिस्ट, फॉल्ट लाइन, ये सारी जो उनकी बुक्स हैं ये थोड़ा कैपिटलिस्टिक क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स से थोड़ा रिलेटेड है. वैसे अगर आप अमर्त्य सेन की बुक्स देखते हैं तो द आइडिया ऑफ जस्टिस, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन पॉवर्टी एंड फेमाइन, ये थोड़ी एक सोशल सेक्टर से रिलेटेड बुक है. तो आपका गेस्टवर्क जो होता है इस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा इफ यू जस्ट कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड. तो क्वेश्चन नंबर थ्री इज, अकॉर्डिंग टू एम फ्रीडमैन, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज अ थ्योरी ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, प्राइस डिटरमिनेशन, नॉमिनल इनकम और डिमांड फॉर मनी. सो योर करेक्ट आंसर इज डिमांड ऑफ मनी. तो डिमांड ऑफ मनी इज करेक्ट आंसर. जो मिल्टन फ्रीडमैन है, एम फ्रीडमैन, उन्होंने अपनी एक रीस्टेटमेंट दी थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में, अपने एक आर्टिकल में, अपने एसे में. तो उसमें उन्होंने कहा कि जो मनी डिमांड है वो आपके डिपेंड करती है प्राइजेस पे, आपकी इनकम लेवल पे, आपके बाकी इंटरेस्ट रेट पे, आपके बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट पे. सो उन्होंने एक आपकी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को रीइंस्टेट किया था. क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक थ्योरी है जिसके एक एडवांस लेवल मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया. ऐसी मनी डिमांड की बहुत सारी थ्योरीज है,
एक बार उनको जल्दी से ब्रशअप कर लेते हैं ताकि आपके सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाए, मनी डिमांड वाले। सो फर्स्ट इज योर फिशर्स इक्वेशन, जिसमें वो कहता है कि अगर अकाउंटिंग आइडेंटिटी होल्ड करती है, अकाउंटिंग आइडेंटिटी का मतलब कि जितने की चीज है उतने की आप पैसे दो। जैसे अगर आप एक पेन खरीदने गए तो आप 10 ही रुपए दे के आएंगे, उसको आप 2 लाख रुपए नहीं दे पाओगे। तो अगर ये इसको अकाउंटिंग आइडेंटिटी कहते हैं। तो अकाउंटिंग आइडेंटिटी अगर होल्ड करती है तो ये जो एमवी इज इक्वल टू पीटी वाली इक्वेशन है ये होल्ड करेगी। नेक्स्ट इज योर कैम्ब्रिज कैश बैलेंस थ्योरी, जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट ने दी थी, वहां पे जो पढ़ रहे थे, वहां पे जो पढ़ा रहे थे मार्शल एंड पीगू। सो मार्शल एंड पीगू इज योर न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ये भी बात ध्यान रखो कि एसी पीगू एंड मार्शल, दीज आर बोथ योर न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और ये सारे जो होते हैं ये सारे बैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं कि कौन सा इकोनॉमिस्ट कौन से स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करता है। तो उनकी क्वेश्चन थी कि मनी डिमांड एम डी इज इक्वल टू के पी वाई। पी वाई क्या है आपकी? पी वाई इज योर नॉमिनल इनकम। तो उसके उनके हिसाब से जो मनी डिमांड है दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर नॉमिनल इनकम। ये एडवांस्ड इसलिए है आपके एक फिशर्स इक्वेशन पे क्योंकि फिशर्स ने कैपिटल एसेट्स कंसिडरेशन में नहीं लिए थे, लेकिन इन्होंने कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट ने उनको कंसिडरेशन में लिया। और ये जो प्राइस है दैट इज कैपिटल एसेट्स डिपेंडेंट ऑल्सो, मतलब नॉर्मल प्राइस लेवल जो इकोनॉमी में गुड्स मार्केट का चल रहा है और कैपिटल एसेट्स का, दोनों को मिला के ये प्राइस लेवल डिटरमाइन होता है कैम्ब्रिज मेथड में। नेक्स्ट इज योर कीनेजियन अप्रोच, जो कि आपको लिक्विडिटी प्रेफरेंस की थ्योरी देती है। तो उसने कहा कि 3 तरीके के मोटिव्स हैं इकोनॉमी में। फर्स्ट इज योर ट्रांजैक्शनल मोटिव, योर प्रिकॉशनरी मोटिव एंड योर स्पेकुलेटिव मोटिव। तो ट्रांजैक्शनल तो आपको पता है कि जो आप गुड्स खरीदते हो उसके लिए पैसे देते हो। नेक्स्ट इज योर प्रिकॉशनरी मनी, जो कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तब संभाल के रखते हो। ये दोनों जो है फर्स्ट टू दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर बाय लेवल ऑफ इनकम। नेक्स्ट इज योर स्पेकुलेटिव मोटिव और वो आर पे डिपेंड करती है, इंटरेस्ट रेट पे। तो इसलिए कीन्स का जो पूरा इक्वेशन है, योर एल योर मनी डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन योर इनकम लेवल एंड योर इंटरेस्ट रेट। सो दिस कंप्लीट्स योर कीनेजियन थ्योरी। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप का, जो ये कीनेजियन अप्रोच से सॉल्व होता है, जिसमें लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब हो कि आपकी जो नैया है इकोनॉमी की वो डूब गई है। मॉनेटरी पॉलिसीज जो आप लेते हो इंटरेस्ट डिपेंडेंट वो आप नहीं ले सकते क्योंकि उससे इकोनॉमी में कोई चेंज नहीं आ रहा, आपका मनी डिमांड चेंज नहीं हो रही है अब फ्रॉम योर इंटरेस्ट रेट। तो एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें पता चलता है लिक्विडिटी ट्रैप से कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कभी भी 0 फॉल नहीं करेगा। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग थ्योरी और अप्रोचेज डज नॉट ट्रीट द कंजम्पशन टू डिपेंड ऑन योर एक्सपेक्टेड इनकम। तो ए पार्ट इज कीनेजियन अप्रोच, फ्रीडमैन अप्रोच और योर लाइफ साइकिल अप्रोच और बोथ 2 and 3। सो कीप आंसरिंग द आंसर्स इन द चैट बॉक्स। सो द करेक्ट आंसर इज ए, कीनेजियन अप्रोच इज राइट। कीनेजियन अप्रोच ने कहा था जो आपकी कंजम्पशन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर करंट इनकम। तो उसने ये नहीं कहा था कि आपकी एक्सपेक्टेड इनकम पे कंजम्पशन डिपेंड करती है। सो दिस इज रॉन्ग कि कीनेजियन अप्रोच डिपेंड कर रही थी एक्सपेक्टेड इनकम पे, दिस इज रॉन्ग। सो लेट्स डिस्कस द कंजम्पशन थ्योरीज, जितनी भी है हमारे पास हम वो सारी डिस्कस कर लेते हैं। तो रिलेटिव थ्योरी ऑफ कंजम्पशन जो है वो आपको दी थी ड्यूजनबेरी ने इन द ईयर 1949, जिसमें वो कह रहा है कि आपकी जो इनकम लेवल है वो रिलेटिव इनकम लेवल पे डिपेंड करती है आपकी कंजम्पशन, मतलब कि आपकी सोसाइटी में क्या इनकम है उस पे डिपेंड करती है कि दूसरों की क्या इनकम है वो भी आप लेके साथ में चलते हो। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या एक इम्पीरिकल एविडेंस है यहाँ पे, जो कि कुजनेट ने दिया था। कुजनेट ने इसको टेस्ट किया था और उसने बताया था कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होती है APC वो कांस्टेंट रहती है, विच प्रूव्स कि आपका जो रिलेटिव थ्योरी ऑफ इनकम ऑफ कंजम्पशन है दैट इज राइट।
Next is your life cycle theory of consumption, which was given by Franco Modigliani and Albert Ando in the year 1957. Year एकदम exact याद करने की जरूरत नहीं है, बस chronology देख लेना क्योंकि chronology वाले questions आते हैं exam में. Also ये economist के नाम भी पूछे जाएंगे. तो लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजप्शन जो है वो ये कहती है कि आप जो अपने वर्किंग ईयर्स होते हो उसमें आप कंज्यूम कम करते हो अपनी इनकम लेवल से और सेव ज्यादा करते हो पैसे को, ताकि जो रिटायरमेंट की ईयर्स हैं उसमें आप यही सेविंग को डिससेव कर पाओ. और जब आप वर्किंग एज में नहीं हो, छोटे हो, तब आप अपने पेरेंट्स की इनकम को जो सेव्ड है उनकी उसको डिससेव कर रहे हो. तो दिस इज योर लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजम्पशन. पूरी लाइफ डिस्कस कर ली ना यहाँ पे, बच्चे से वर्किंग ईयर से बुढ़ापे में क्या कर रहे हैं. तो दिस वाज दैट. नेक्स्ट इज योर परमानेंट इनकम थ्योरी ऑफ कंजम्पशन. दिस वाज गिवन बाय मिल्टन फ्रीडमैन इन द ईयर 1957. तो ये कह रहा है कि जो आपकी इनकम है उस पर डिपेंड नहीं करती है आपकी कंजम्पशन. परमानेंट इनकम में अगर चेंज आता है तो आपकी कंजम्पशन चेंज होती है. इसका मतलब है कि आज अगर मुझे कोई बोनस मिलता है तो मैं पहले देखूंगी कि वो नेक्स्ट पीरियड में मुझे मिलता है और दिस इज अ वन टाइम थिंग. तो मैं तभी इंक्रीज करूंगी आपकी अपनी कंजम्पशन को जब मुझे पता चलेगा कि मेरी इनकम जो है परमानेंटली इंक्रीज कर गई है. दिस वॉज गिवन बाय मिल्टन फ्रीडमैन. सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द एक्सेलरेटर मॉडल प्रिडिक्ट्स दैट Change in investment are determined by changes in A. interest, B. output, C. capital, D. inventory. So the correct answer is B. output. So accelerator principle को एक बार discuss कर लेते हैं. It was given by J.M. Clark in the year 1917. तो ये थोड़ा opposite है आपके multiplier effect का. Multiplier effect में आप ये देख रहे होते हो कि investment का या कंजम्पशन का आपके इनकम लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है. इसमें आप उल्टा देख रहे हो कि आपके इनकम लेवल का या आपके कंजम्पशन का आपके इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ रहा है. जो इसका ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे वो आप कैपिटल यूज करके कर रहे थे, कैपिटल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे, लेकिन इसमें हम उल्टा देख रहे हैं कि कैसे आपके जो गुड्स हैं कंज्यूमर गुड्स उनका क्या इफेक्ट हो रहा है आपके कैपिटल गुड्स पे. तो इसको जेएम क्लार्क की जो थ्योरी थी उसको हिक्स ने भी माना कि हाँ सही है और सैमुअलसन ने भी, पर उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस अलग अलग दिए. तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को भी देख लो कि जो आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट है हिक्स के लिए तो दैट इज डिपेंड ऑन योर इनकम एंड फॉर सैमुअलसन इट इज डिपेंडेंट ऑन योर चेंज ऑफ कंजम्पशन. सो दीज आर टू डिफरेंट इक्वेशंस. ऐसे पूछा जा सकता है कि ये इक्वेशंस किसकी है. तो ऑल्सो हिक्स गेव अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुपर मल्टीप्लायर का, जिसमें उसने एक्सेलरेटर और मल्टीप्लायर दोनों के इफेक्ट्स को कंबाइन कर दिया और उसने एक सुपर मल्टीप्लायर बना दिया ताकि पूरा का पूरा इफेक्ट देखा जा पाए इनकम का. इसको लेवरेज इफेक्ट भी कहते हैं. तो कभी आपको सिनोनिम नहीं पता हो और आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाए तो ये भी देख लो कि सुपर मल्टीप्लायर को आप लेवरेज इफेक्ट भी कहते हो. So this was your macro के 5 questions. I hope this video have helped you. If it did, please like the video. Also, next videos में हम यही करेंगे. जितने भी आपके 10 topics हैं पूरे UGC NET के syllabus के हिसाब से हम बारी बारी हर एक को उठाएंगे और alternative days इनको revise करते रहेंगे इसी तरीके से. तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन अगर आपको जिस भी जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं उस कॉन्सेप्ट्स को भी उठा लूंगी बीच बीच में. थैंक यू.